नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का बढ़ता एफटी न्यूज चैनल। आइए देखते हैं सिद्धार्थ नगर की खबर। सिद्धार्थ नगर नगर पालिका ने नौगढ़ कस्बे में अतिक्रमण के नाम पर एक मकान को जेसीबी लगाकर ध्वस्त कर दिया। सोमवार को यह कार्रवाई नगर पालिका ने सुबह 4 बजे की। पीड़ितों का आरोप है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया और उन लोगों का मकान अतिक्रमण में नहीं है। तालाब से सटे 12 मकान दशकों पुराने हैं और उनके पास इसके रजिस्ट्री के कागजात हैं। नगर पालिका के इस कार्रवाई से नाराज स्थानीय लोग सड़कों पर बैठ गए। स्थानीय सांसद और SDM के समझाने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के आश्वासन के बाद लोगों ने जाम खत्म किया। देखिए, ये एक गंभीर प्रकरण है। एक प्रक्रिया होती है, चाहे प्रशासन हो, नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, महापालिका हो, अतिक्रमण अगर कोई है तो उसको हटाने की एक प्रक्रिया है। नगर पालिका को, जिला प्रशासन को, पुलिस को विश्वास में लेकर के एक ऑर्डर होता है, पहले से नोटिस होती है और फिर दिन में उस तरह से अभियान चलाया जा सकता है। लेकिन इस समय बरसात है, 4 महीने तो ऐसे भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एक्ट में है कि जब बरसात हो तो नगर पालिका की पंचायतों की प्राथमिकता केवल जल निकासी का होता है, क्योंकि बरसात में मोहल्लों में गलियों में पानी भर जाता है या सड़क का नाली का हो सकता है। इस समय पोखरे के सौंदर्यीकरण के नाम पे और 14 मकान तोड़ने का एक अभियान रात के अंधेरे में किया, इसका संज्ञान हमने भी लिया है, जिला प्रशासन ने भी लिया, जिला प्रशासन ने दरखास्त भी लिया है और उस पर निश्चित तौर से जांच करके शासन को भी लिखेंगे यो के खिलाफ और इस पर कार्रवाई की जाएगी और उसको आगे की कार्रवाई रोक दिया है। क्योंकि बिना प्रशासन के, बिना राजस्व के टीम बनाए हुए कि कितना पोखरे का रकबा है, कितना रामलीला मैदान का है, कितना अन्य चीज़ों का है, इस पर कार्रवाई आगे करने की इजाज़त प्रशासन ने नहीं देने को कहा है। और निश्चित तौर से अगर प्रशासन को, पुलिस को जिस तरह बिना विश्वास मिले अंधेरे में किया है, इसके खिलाफ एक गरीब का घर तोड़ा है उसको यथास्थिति करने की बात की गई है। और दूसरी बात, ये गंभीर मामला है और इसमें चाहे यो चाहे चेयरमैन जो भी जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई हो। सर, गरीबों के घर रात में 4 बजे आके तोड़ दिए जाते हैं, वहीं एक भाजपा कार्यकर्ता ने ही एक रिट दाखिल की थी, उसके अनुसार NH ने जमीन नाप भी ली थी। ऐसे में आखिर जब गरीबों का घर टूट रहा है तो जो इलीगल है चेयरमैन साहब का मकान, वो कब टूटेगा? देखिए, ये बात आज संज्ञान में आई है, कहा गया कि दरखास्त दें, निश्चित तौर से जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है या सरकारी नेशनल हाईवे की जमीन होगी तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में कोई भी सरकारी संपत्ति पे 1 इंच नहीं कब्जा कर सकता है, चाहे वो हमारे दल का हो या किसी दल का हो। लेकिन सर, आरोप लग रहा है कि प्रशासन बचा रहा है। नहीं, देखिए, प्रशासन का जो रुख है यहाँ मेरे साथ खड़ा है, प्रशासन ने आ करके रोका है कार्रवाई को और प्रशासन स्वयं कह रहा है कि ये मुझे बिना विश्वास में लिया किया गया है, ये उन्होंने गलत किया है, इस पर प्रशासन निश्चित तौर से सारी कार्रवाई करेगा और प्रशासन जनता के साथ है, प्रशासन उस गरीब के साथ है। नगर पालिका के द्वारा एक नोटिस दिया गया था इनको, लेकिन जो समय निश्चित हुआ था, जो भी प्रशासन और पुलिस को बिना संज्ञान में लिए हुए, बिना टाइम को बताए हुए जो किया गया है, इसके खिलाफ ये दरखास्त मिली हुई है। इस दरखास्त की जांच करके जो भी कार्रवाई होगी DM साहब के थ्रू शासन को प्रेषित कर दी जाएगी। क्या सर, जो नगर पालिका जो अच्छे अच्छे उनके मकान की जो बात आ रही है, क्या इस तरह की आपके पास कोई एप्लीकेशन पड़ी हुई है? ये एप्लीका घर जो है, ये हाई कोर्ट में एक रेट की गई थी, उस रेट का डिस्पोजल के लिए हमको 3 महीने का टाइम दिया गया था, उसके अंदर उसको डिस्पोज करके हाई कोर्ट को सूचित कर दिया जाएगा। तो कब तक ये टाइम डिस्पोजल जितना हाई कोर्ट था उससे पहले इसको करवा दिया जाएगा। ये नगर पालिका इनलीगल के तरीके से गिराया है, ये 1956 में जब वहाँ तहसील थी पुरानी नौगढ़ में, उससे पहले के मकान बने हुए हैं। ये 12 मकान बना हुआ है, इसके पीछे तालाब है और तालाब मात्र 2 बीघे की तालाब को 4 बीघे में वर्तमान में बनाने के नाते 1,30,00,000 रुपए का टेंडर, बिना टेंडर, बिना मानचित्र पास कराए, बिना पैमाइश कराए और ये मकान गिरा दिया गया बिना नोटिस दिए। 1 साल पहले नोटिस दी गई कि आप अपना अतिक्रमण हटा लें, जब नगर पालिका की जमीन में है भी नहीं तो इनको गिराने का कोई अधिकार नहीं है। ये 12 मकान शुरू से लेकर कवले राधे श्याम मास्टर का था, उसके बाद में अन्ना का है, उसके बाद मोतीलाल का है, उसके बाद में बब्बुन बजाज का है, उसके बाद महंगीलाल का मकान है, इसके बाद में मोतीलाल का मकान है, सूरजलाल का मकान है, जमुना राम का मकान है, जगदीश वर्मा का मकान है और स्वर्गीय ईश्वर दयाल का मकान है। ये इतने मकान इसमें बने हुए हैं और इस मकान को नोटिस दे करके इन्होंने पहले इनलीगल काम किया था, जब लोगों ने इसका विरोध किया
तो वो लोग शांति बना लिए। आज रात्रि में इस हाई मैक्स एक लगा करके 4:30 बजे जीसीबी, दो जीसीबी, तीन डंपर और दो टाली जिसका नंबर प्लेट नहीं था, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका चेयरमैन उनके सुपुत्र के द्वारा ये जबरदस्ती अवैध तरीके से सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ और आ करके लेडीज जेंट्स सब मिला करके और उसका मकान गिरा करके उसमें रखे हुए सामान को ध्वस्त करके हुए उसको अनंत यही सामान ले जा करके फेंक दिया गया। और जब इसका विरोध हुआ तो माननीय जगदम्बिका पाल जी आए और हम लोगों के देख रेख में हम लोगों ने उसके लिए धरना और प्रदर्शन किया। इसके बाद में उस पर गरीब का मकान SDM नौगढ़ के द्वारा फिर पुनः बनाने के लिए आदेश दिया गया। ये NH की जमीन है, NH में उनका स्वतः मकान है और NH के नाम पर ये स्वयं इसको पोखरे के नाम पर गिरा रहे हैं, ये कहाँ तक जा जाए इसकी हम घोर निंदा करते हैं। अच्छा, ये जो मकान थे ये सारे के सारे मकान क्या रजिस्ट्री है? हाँ, सबका बैनामा है, सबका बैनामा है 1956 का, 1958 का, 1964 का, 1985 का, 1992 का, ये सब बैनामा है। पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हुआ करता था जहाँ रोड 30 फीट ही मात्र थी, केवल 30 फीट ही मात्र था।